मुझे बाहर से मैं कहती है कि आपने गोभी बनाई है। दीदी को आए हुए वक्त हो गया है और हम लोग बातों में और खाना पाना काटो उसको। अब क्या आएगा? पहले का है यार। हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। गुड मॉर्निंग, कहाँ है? 12 बजने वाले हैं। अभी 12 बजे नहीं है, अभी 55 है, 5 मिनट बचे हुए हैं, 11:55। तो अभी गुड मॉर्निंग ही है। तो आज के ब्लॉग हम शुरू करते हैं। छोटे छोटे से काम होते हैं ना, पर्दे लगाना, बेडशीट चेंज करना, तो वो सब करते करते इतना टाइम हो गया। और मान्या को स्कूल भेजना, वो तो सबसे बड़ा टास्क है। तो अभी मैं जा रही हूँ चाय पीने, चाय और बिस्किट ये रहा, और उसके बाद सब्जी भी कट कर लें, और मैं खाना भी साथ में बनाती जा रही हूँ। दाल चढ़ा दिया है क्योंकि दीदी लोग 1 से 1.5 बजे के बीच में आ जाएंगे और अभी बजने वाले हैं 12, तो मेरे पास बस थोड़ा सा टाइम है कि मैं खाना बना के उनके आने के पहले रख दूँ। तो आज ना हो रही है बाहर की सफाई, पेड़ों में कटिंग वगैरह कराना था, डाल काफी लंबी हो गई थी, इसी से कटिंग करके नीचे सब डाल दिया गया है और इसे फेंकना है। उसके बाद ये सब कबाड़ वाला सामान है जो कि बिकने को जाएगा, और इधर क्या सफाई होनी है, सारे गमले हटा के ये सब धुलाई होनी है एक्चुअली। और यहाँ पे देखें, ये मेरा एक वो है, इसको हम ईंट से दबाना पड़ेगा, इसमें मिट्टी भर देते हैं, पता नहीं चूहा आता है क्या, पूरी पूरी मिट्टी बाहर निकाल देता है। तो यहाँ पे चूहे बहुत ज्यादा, क्योंकि सामने दुकान है तो वहाँ से आते हैं बड़े बड़े से चूहे, नीचे तो नीचे ऊपर के पोर्शन में भी जाके बहुत तहलका मचाते हैं। दीदी लोग आ गई हैं, बस गेट पे हैं, अब हम जा रहे हैं उनको लेने। जाओ मामी पास चली जाओ। नमस्ते दीदी लोग आ गई हैं और इनको मलाई चाप बहुत ज़्यादा पसंद है, तो मैंने पहले से मंगा के रख लिया था, तो अभी उनको देते हैं और पानी दे देते हैं। तो आप मिलिए, मेरी छोटी वाली दीदी है, और अब त्यौहार में जब तक लड़कियां ना आए तो अच्छा नहीं लगता है, तो अब घर में इतनी रौनक हो रखी है, लग रहा है कि हाँ कोई त्यौहार है। तो इस टाइम पर हम लोग जा रहे हैं मार्केटिंग करने, अब घर आई हैं तो मार्केटिंग ना हो ऐसा हो नहीं सकता, तो हम लोग जाते हैं मार्केट और वहाँ पे कुछ चीज़ें देखनी है त्यौहार के लिए, तो वो सब देखते हैं। सबसे पहले हम टेलर भैया के यहाँ पे गए क्योंकि मुझे मान्या के लिए सूट सिलवाना था जो कि वो दीपावली में उन्हें पहनना है। तो मैं उनसे ये पूछ रही थी कि जिस तरह का सूट मैं उन्हें पैटर्न दिखा रही थी वो सिल पाएंगे या नहीं, लेकिन उन्होंने कहा कि वो सिल देंगे और मुझे दीपावली के पहले दे भी देंगे। तो बस मुझे इसके लिए कपड़ा और देखना है, तो अभी मैं चलती हूँ दूसरी शॉप में जहाँ पे मुझे कपड़ा इस तरह का मिल जाए। तो जैसा हमें कपड़ा चाहिए था वैसा हमने कई दुकानों में जाके देखा, पता किया, लेकिन नहीं मिला। अब हम जब कानपुर या दिल्ली जाएंगे तो वहाँ से इस तरह का कपड़ा लेके आएंगे, और अभी दिवाली में मान्या ना कुछ और पहनने वाली हैं। तो हम आ गए हैं मार्केट से, वैसे तो हमें बहुत सारा सामान लेना था लेकिन हमें और कुछ मिला नहीं है, तो बस ले आए हैं मिठाई और साथ में समोसे। तो बनाते हैं चाय आराम आराम से। तो हमारे यहाँ पे लग रही झालर, बहुत देर से ये लोग लगा रहे हैं, अब हो गई है रात। लेकिन भाई होता ना, लगता है कि काम अब शुरू हुआ तो ख़त्म कर दें, तो भाई ये बोल रहे हैं कि अब ख़त्म ही कर दें, फिर उसके बाद ही अब जाएंगे नीचे। तो ये इतने सारे कपड़े धुले थे जो कि हम ले आए हैं और अभी बाहर भी पड़े हुए हैं, वो बाद में उठाएंगे रात में। अब हो गया डिनर का टाइम, सबको खाना दे दिया है और मैंने भी ले लिया। आज मैंने बनाए हैं बताशे, क्योंकि दीदी आई है ना, उनको पसंद है, जब वो घर पे आती तभी इस तरह की चीज़ें खाना हो पाता, तो हम लोग को भी अच्छा लगता है। हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, और आज नेक्स्ट डे हो गया है और मैं सुबह तो जल्दी उठ गई थी, लेकिन दीदी रहती है ना तो फिर बातों में कब टाइम गुजर जाता है पता ही नहीं चलता है। तो अभी जो है उनको निकलना है, वैसे तो 7 बजे निकलना था, लेकिन कुछ भी हो घर पे जब आप आ जाते हैं तो थोड़ा बहुत टाइम ऊपर नीचे हो ही जाता है। तो एक तरफ मैंने चाय चढ़ा दिया और दूसरी तरफ सैंडविच सेक रहे हैं, क्योंकि सैंडविच से आराम रहता है, नाश्ते के लिए भी हो जाएगा और पैकिंग करने भी सही रहता है, गाड़ी में आप किसी भी टाइम पे निकाल लीजिए और आराम से खाइए। मांग रही क्या? उसमें मिर्ची है। लाख ही है और क्या, आजकल लाख बड़ा ट्रेंड में चल रहा है। अगर जिस शॉप पे गए थे ना, सारा लाख लाख का ही सारे चूड़ियाँ, लेकिन इसको पहनने थोड़ा सा वो रहता है,
पता है 2.8 है इसका साइज, इसे 2.6 नहीं लिया, देख के नहीं लग रहा बड़ा साइज है, बड़ा है इसको पहनने थोड़ा सा केयरफुली पहनना पड़ता है वरना चटकता बहुत, मेरे पास तो चटक गया, ध्यान से रखना भी पड़ता है ध्यान से पहनना भी पड़ता है। ये देख दीदी ने मुझे गिफ्ट दिया है मेरे लिए, लेके आई है दिल्ली से, बहुत ही सुंदर कलर बहुत प्यारा लग रहा है इसमें, ये जो बना हुआ है कॉन्ट्रास्ट कर रहा है बहुत सुंदर लग रहा है। अब दीदी है, दीदी अब जा रही, सब कुछ हो गया है तो बिल्कुल इधर किया जाए। भाई दीदी लोग चली गई हैं और घर में एकदम सन्नाटा हो गया, क्योंकि ईशी और मानिया दोनों जो है ना पूरे कल से एकदम खेल और शोर शराबा मचाए थे, तो बड़ा अच्छा लग रहा था। आज है मानिया की पीटीएम, तो अभी चलते हैं क्योंकि 12 बजे तक ही और 11 बजने वाले हैं, तो हम जल्दी से तैयार होके और फिर उनकी पीटीएम अटेंड कर लेते हैं। बुआ ने मुझको न्यू टैब दिया था, मेरा एक टैब खराब हो गया था तो बुआ ने मुझको कल ही न्यू दिया। तो बस हम लोग हो गए तुरंत तैयार, मैं हुई हूँ क्योंकि टाइम बहुत कम है ना, तो मैंने बस फटाफट से यही साड़ी डाल लिया है और अब चलते हैं उनके पीटीएम में और देखते हैं कि क्या होगा, क्योंकि वो खुद बहुत कॉन्शियस है कि पता नहीं मम्मा मेरा रिजल्ट कैसा आया होगा, क्योंकि अभी जो एग्ज़ाम हुए थे उसके रिपोर्ट कार्ड वगैरह भी और नोटबुक भी अभी दिखाई जाएगी। कैसा रहेगा तुम्हारा रिजल्ट? मुझे लग रहा है बच्चों ने बहुत ही अच्छी चीज़ें बनाई हैं, सारे दियाज ले लीजिए और डेकोरेशन की चीज़ें हैं, बहुत सुंदर लैंप्स वगैरह बनाए, पूरा एग्जीबिशन लगा हुआ, तो हम लोग देख रहे हैं जो पसंद आएगा तो कुछ चीज़ें ले लेंगे। मान्या के पीटीएम से घर आ गए हैं और अच्छा रहा इनका स्कूल में, क्लास में इनकी परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छी थी, 50 बच्चों में यदि बच्चा का नाम आ रहा है, 3rd रैंक आई है, इन्होंने बहुत छोटी छोटी सी मिस्टेक कर दी थी उसकी वजह से इनके कुछ मार्क्स कट भी गए, लेकिन अच्छा रहा ओवरऑल। खाना भी बनाने का टाइम हो गया तो अब लग जाते हैं घर पर। सारे काम करके अब मैं फ्री हो गई हूँ और तैयार भी हो गई हूँ मार्केट जाने के लिए, क्योंकि धनतेरस की शॉपिंग करनी है। मान्या नहीं जा रही मेरे साथ क्योंकि मार्केट में आज बहुत भीड़ है, तो बच्चों को ले जाना सेफ नहीं है, तो हम और ये जा रहे हैं सिर्फ, मान्या घर पे रहेंगी, उनको भी वही अच्छी लगी है जो सबसे फर्स्ट वाली है, वही ले लेते हैं, मान्या को भी वही अच्छी लगी। दीपावली के काम तो करने ही करने हैं और उसके साथ आ रहा है इंडिया और पाकिस्तान का मैच, तो वो देखना बहुत ज़रूरी है, तो यहाँ पे भाई टीवी में तो देख नहीं सकते क्योंकि किचन में काम करना है। ये देखिए हमारा टैग कहाँ पे रखा है और मैच के दीवाने ये हैं, दूसरे देखिए जरा ये भी दीवानी है, ये भी यहाँ देख के टीवी देख रहे हैं, और तीसरे हम हैं, काम भी करेंगे और मैच भी देखेंगे। जहाँ पर जीत जानी चाहिए कर लीजिए, बना लीजिए लॉकी, बन रही है लॉकी, लेकिन अब ये आराम से खेले भी ज्यादा होता था, बड़ा जीत गई जीत गई, पहले का है यार।
मेरा बीपी भी चेक किया जाए ना, तो मेरा बीपी बहुत हाई है। जीत गई। अब तो मेरा बीपी और ज्यादा बढ़ रहा है खुशी से। तो फ्रेंड्स, आज ही छोटी दिवाली और दूसरा कि आज हम लोग जीत गए हैं मैच, तो उस खुशी में और छोटी दिवाली की खुशी में हम लोग जा रहे हैं दीपक जलाने। दोनों की खुशी एक साथ है। लाइटिंग वगैरह हो गई है तो मैं आपको दिखाती हूँ कि मेरा घर बाहर से कैसा लग रहा है। मुझे तो अपने घर की सजावट बहुत अच्छी लगी। आप लोग मुझे कमेंट करके बताइएगा कि आप लोग को कैसी लगी है। तो सारे काम खत्म करके अब मैं रूम में आ गई हूँ और इसे थोड़ा सही करना है। मान्या के बर्थडे पे इसे सही किया था पूरा, लेकिन अभी फिर से थोड़ी सफाई करना है, फैल गया है। और दूसरा ये मंदिर यहीं पे आ गया है और पूजा दिवाली की यहीं पे होगी। वैसे तो हमेशा आंगन में होती थी, लेकिन इस बार हम लोग यहीं पे कर रहे हैं। तो पूजा के हिसाब से थोड़ा सा डेकोरेट वगैरह सब कुछ करना है, तो मैं सोच रही हूँ कि अभी कर दूँ ज़्यादा सही रहेगा, क्योंकि कल बहुत सारे काम हो जाएंगे क्योंकि कल है दिवाली। तो आप सभी को दिवाली की बहुत बहुत शुभकामनाएं मेरे और मेरे परिवार की तरफ से। आप लोग अच्छे से मनाइए। कल दिवाली में हम क्या करते हैं, किस तरह से पूजा होगी और कैसे हम सेलिब्रेट करेंगे, ये आप अगले व्लॉग में देखेंगे। तो इस व्लॉग को मैं यहीं पर ख़त्म करती हूँ। अगर आपको मेरा व्लॉग पसंद आता है इसे लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, कमेंट करके बताइएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। फिर मिलते हैं अपने अगले व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।